अपने सभी बुजुर्ग भाइयों को सबको मेरे राम राम और छोटे भाइयों को स्नेह और प्यार। मैं एक आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि एक मतलब दुर्गम दुर्गम मिलती है। मैं आपको बताता हूँ कि एक प्योर देसी हरियाणवी गाय और एक गिर गाय मेरे पास है, उनके बारे में मैं आपके सामने आपके सम्मुख जो रखूंगा उनके गुणों को उनके आकलन के बारे में। ये मैं जिसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ ये हमारी प्योर देसी हरियाणवी गाय है। ये अपनी बार तीसरी बार ब्यारी है, तीसरी बार ब्यायेगी और ये बिल्कुल प्योर एक प्रकार से बिल्कुल एकता है अत्यंत शुद्धि गाय। आप देख सकते हैं मैं इसके सामने खड़ा हूँ कितनी शुद्धि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देसी हरियाणवी गाय के बीच में बताते हैं कि बीच में काट होनी चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। सफेद इसका कलर है जो कि देख सकते हैं और इसकी थुई भी बता सकते हैं कि बिल्कुल इसमें पूरी थुई है। और इसके साथ में बताते हैं वो हरियाणवी, मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूँ इसकी हरियाणवी को बताते हैं, वह नीचे सूंडी नहीं होनी चाहिए, इसकी सूंडी नामात्र है ही नहीं बिल्कुल। और इसके मुठिया थन है जिसके अंदर डिस्टेंस भी है, पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस भी है और मुठिया थन है और बिल्कुल छिट्टेदार थन है जो कि हरियाणवी देसी गाय के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ में इसका प्योर आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एकदम से सफेद कलर है। और अभी ये जो है ना 3 तारीख को इसके पूरे 9 महीने पूरे हुए हैं। इसके ऊपर जो बताते हैं कि मेरे ख्याल में तो कोई 8 दिन को 7 दिन को 10 दिन इतने ऊपर ले लेती है, तो अभी भगवान को यह जो इसकी मंजूर है कभी भी आएगी। बाकी 3 तारीख उसके महीने पूरे हो चुके हैं, इसके बाद ये देसी गाय है। इसको मैं पिछली बार लेकर के आया था, मतलब मेरे को 14 किलो दूध के लिए कहा था, मगर मेरे को इसको 14 ने देख रहे 13 किलो ही दिया था। जिसके साथ में इसका जो बछड़ा था वो किसी कोई पालक था बहुत अच्छा, वो एक आश्रम था वहां पर लेके चले गए, तो बहुत अच्छा इसका बछड़ा था। अभी ये जाने वाली है, अभी 5-7 दिन के अंदर जा जाएगी, तो अबकी बार उम्मीद करता हूँ पिछली बार की बजाय अबकी बार और भी ज्यादा दूध देखे होंगे, अबकी बार तैयार होगी। इसके भी हम देखेंगे, देखो इससे ज्यादा शुद्ध ही नहीं हो सकती। जब भी इसको देखेंगे तो कैसे फिराओ, कभी फिराओ, कितना फिराओ, कहीं भी फिराओ, तो इससे ज्यादा शुद्ध देसी गाय नहीं मिल सकती जो कि इसके अंदर गुण है, दूध की क्वालिटी से भी और शुद्धेपण की क्वालिटी से भी और ओरिजिनल क्वालिटी की वजह से जो कि प्योर हरियाणा ज्वार है। इसको हमने अभी हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसे कारण से अभी बेचने का इरादा किया है, क्योंकि हम यहाँ तो रहते हैं, सेक्टर में रहते हैं, अकेले होने के कारण से यहाँ इसकी देखभाल नहीं कर पा रहे। जो मेरी वाइफ थी वो काम करती थी, उसके घुटने के अंदर कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से जो है ना एकदम से हमारा दिक्कत आ गई, बाहर का आदमी को रख रखा इसका कर नहीं पा रहा। इसलिए हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने प्योर गाय रखी थी, इसलिए इसको बेचने का इरादा किया है। जो भाई अच्छा गोवंश को पालने वाला मिलेगा उसको हम देंगे, मगर इसके जो पैसे हैं, इसके जो पैसे हैं वो 75,000 रूपये हैं। अभी 14 किलो दूध की हम उम्मीद कर रहे हैं, वह 14 किलो दूध देगी, क्योंकि 13 किलो पिछली बार दिया था तो 14 आपकी बार देना चाहिए इसको।